गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लाइब्रेरी एक्टिविटी में रीड अलाउड सेशन के थ्रू एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। स्टोरी का नाम है अशोक की हरी पतंग। इस स्टोरी को लिखा है मार्गरेट किटले और इसका चित्रांकन किया है मैरिलिन हर्श ने। बच्चों, स्टोरी का नाम है हरी पतंग। क्या आपने कभी पतंगे उड़ाई है? आपको पतंगे उड़ाना पसंद है? और अगर आपको पतंगे उड़ाना पसंद है तो आपकी फेवरेट कलर की पतंग कौन सी होगी? अशोक और सोना एक घर में रहते थे। उनका घर बड़े शहर के पास था। दादा दादी, बाबा, माँ और छोटा मुन्ना भी उसी घर में रहते थे। उनके घर के पास ढेर सारी रेत थी। अशोक और सोना को रेत में खेलना बहुत अच्छा लगता था। माँ कभी कभी मुन्ने को भी उनके साथ खेलने छोड़ देती थी, पर मुन्ने को तो खेलना आता ही नहीं था, वो सारा खेल बिगाड़ देता था। ये देखो जो मैं आपको दिख रहा होगा, अशोक को दूसरे लड़कों के साथ पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता था। सोना डोर संभालने में उसकी मदद करती थी। अशोक की सबसे प्यारी पतंग थी हरे रंग की पतंग, वह उसे आसमान तक उड़ा सकता था। उनके घर के पास एक छोटी पहाड़ी थी। एक दिन अशोक और सोना हरी पतंग को पहाड़ी पर उड़ाने ले गए। ये देखो, ये अशोक और सोना क्या कर रहे हैं, पतंग को पहाड़ी पर उड़ाने ले गए। पहाड़ी पर चढ़कर वे पतंगे उड़ाने लगे। दोनों ने मुड़कर देखा, घर की ओर देखा, दूर बगीचे में वो बड़ी सी चीज क्या थी, वह एक गाय थी। बगीचे की गोभी खा रही थी। ये देखो बच्चों, ड्रॉ में दिख रहा है आपको ये गाय, इन्होंने गाय देखी। गाय को अशोक भगाने के लिए दौड़ पड़ा और सोना ने उसकी पतंग की डोरी संभाली। जब गाय भाग गई तब अशोक दौड़कर फिर सोना के पास वापस पहुंचा। लेकिन ये क्या, सोना तो वहां पे थी ही नहीं। उसने सोना को ढूंढने की कोशिश की। उसने देखा सोना पहाड़ी की दूसरी तरफ थी, वो पतंग की डोर से लटकी हुई थी। अशोक उसकी मदद करने से नीचे भागा। तुम्हारी पतंग तो बहुत भारी है, सोना ने कहा, इसने मुझे घसीटकर यहाँ तक पहुँचा दिया। अशोक बोला, तुम मेरी कितनी अच्छी बहन हो, तुमने मेरी फेवरेट हरी पतंग खराब होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो ये पतंग जरूर खो जाती। माँ ने उन दोनों को खाने के लिए बुलाया और वे एक दूसरे को हाथ पकड़कर घर आ गए। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा, और आप ये भी बताना कि आप घर पर पतंग किसके साथ उड़ाते हो।